नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ में जनहानि के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वो हाथरस के जो बाबा हैं भोले बाबा, उनको संत मानते ही नहीं है क्योंकि वो जूते पहनकर कथा करते थे, और इसलिए भी उनको संत नहीं माना जा सकता क्योंकि संत वो लोग होते हैं जो अपने भक्तों की या जो उनके पास लोग उनसे मिलने आए हैं उनकी पहले रक्षा करते हैं। और उन्होंने सुरक्षा इंतजामों पर भी सवालात उठाए हैं और कहा है कि आखिर जो लोग इस तरह के आयोजन करते हैं उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है वहां सुरक्षा के इंतजाम करना। लेकिन आपको बता दें कि ये जो हाथरस में हुआ है ये पहली दफा हिंदुस्तान में नहीं हुआ है और शायद आखिरी दफा भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों को सीख लेने की आदत है नहीं, जल्दी हम कुछ सीखते नहीं है हादसों से। इससे पहले राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी, इसी तरह की जनहानि हुई थी। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी इसी तरह नवरात्रों के बीच भगदड़ मची थी, जनहानि हुई थी। ज्यादा दूर ना जाते हुए मध्य प्रदेश में भी रतनगढ़ में इसी तरह की जनहानि, इसी तरह की भगदड़ मची थी और इसी तरह से जो है लोगों की जनहानि हुई थी। तो सवाल यही है कि ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं या ये जो तथाकथित बाबा लोग जो आयोजन करते हैं, इसमें जो सुरक्षा की व्यवस्था करनी होती है उसके लिए कितना जिम्मेवारी सरकार की है और कितनी जिम्मेवारी जो है आयोजकों की है। और दूसरा सवाल ये कि आखिरकार लोग इन आयोजनों में जाते क्यों हैं, हमारी मनोदशा की क्या स्थिति है, आखिरकार ऐसा क्या उन जगहों पर मिल जाता है जहां पर जरा सी र्यूमर फैलने से, जरा सी बात फैलने से भगदड़ मच जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है, इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, और आखिरकार लोगों में वो चेतना कब आएगी, कब लोग आम आदमी इस बात को समझेगा कि मेंटल पीस के लिए इस तरह के आयोजनों के बजाय अंदर झांकने की आवश्यकता है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बागेश्वर बाबा ने या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वो तो बात है ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इस तरह के कई हादसे हुए हैं, जैसे रतनगढ़ में हादसा हुआ था, अभी कुछ ही सालों पहले यहाँ पे भोपाल से कुछ ही किलोमीटर दूर सीहोर में बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष लेने के लिए आए, जो बताया जाता है कि किसी पड़ोसी देश से मंगवाए जाते हैं, ट्रकों में लाद कर आते हैं और फिर उनको मंत्र करके दिया जाता है। तो ऐसा क्या है, ये ऐसी आस्था क्या चीज है जिसकी वजह से लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं? देखिए, दो चीजें, एक तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना, जो मतलब एक ये बहुत अजीब स्थिति क्रिएट हो रही है हमारे देश में, और दूसरा हमें जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम एक ऐसे विषय पर डिबेट चालू करवाया जो होना चाहिए जी। अब मेरा जो आपके जो सवाल है उसको मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि देखिए, हमें आध्यात्म और अंधविश्वास और अंधभक्ति में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना सीखना चाहिए कि आध्यात्म क्या है हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में, या अंधभक्ति ये सवाल सिर्फ शायद एक ही धर्म मैं नहीं है, नहीं हर धर्म में इस तरह, चूंकि हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हर धर्म में अंधविश्वास है, लेकिन हम चूंकि अभी इसकी बात कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि किसी भी धर्म में एक आध्यात्म एक एंगल है और एक अंधभक्ति एक एंगल है, तो ये इस पे बात होनी चाहिए और एक कैंपेन्स होनी चाहिए लोगों में। जैसे आपने बताया कि क्यों लोग लेसन नहीं लेते हैं पास से, अब देखिए इसी हादसे के बारे में अगर हम बात करें तो एक हैंडपंप है वहां, लोगों का कहना था कि उसके पीने से चमत्कार होता है, कई तरह की बातें आ रही है। एक बात यह भी आ रही है कि भोले बाबा जो आयोजक हैं, मतलब वो कहते वहां से निकल रहे थे और निकल रहे थे तो लोगों में भगदड़ में कि हम उनका उनसे आशीर्वाद ले लें, उनको स्पर्श कर लें, हाँ। तो इस तरह की मतलब अच्छा इस क्या देखिए ये हमारे जो लोग इस तरह के आयोजनों में जाते हैं उनकी मनोदशा के बारे में ये क्या बताता है, वो कितने पीड़ित हैं या कितने दुखी हैं कि वो किसी जरा से मतलब तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, कोई व्यक्ति उनको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो है उनकी सारी समस्याओं का निवारण कर देगा, हर चीज का समाधान व्यक्ति हो जाए, क्या ये संभव है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो हर आदमी चमत्कार के पीछे भाग रहा है ऐसा लग रहा है, चाहे वो कोई भी बाबा हो, जो पर्ची निकाली जा रही है वो भी चमत्कार की ही बात है कि लोग एकदम से चमत्कार महसूस करते हैं जो कि पर्ची में क्या लिखा है। वैसे ही यहां भी हो रहा था कि एक
चमत्कार के लिए लोग जाते हैं, कोई बीमार है, किसी के बच्चे की नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं और उनको लगता है कि उस उनकी समस्याओं का इलाज वहां हो सकता है। और इनमें से अधिकांशता लोग आप देख रहे हैं कि वो एक रूरल बैकग्राउंड के हैं, थोड़ा सा अगर हम कहें कि शिक्षा में थोड़ी सी कमी है, और इसीलिए अंधविश्वास शायद उनके दिमाग में ज्यादा भरा हुआ है। और जिसकी परिणति हमने देखा है कई बार होती है, अलग अलग कार्यक्रमों में आपने अलग अलग आयोजनों के नाम लिए कि वहां इस तरह की भगदड़ की स्थिति हुई जिसमें जनहानि बहुत बड़ी और भी हुए हैं, लेकिन ये तो जो कुछ याद आ रही है वो हम बता रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि भाई वहां पर जो है इस तरह की मनोदशा के लोग जाते हैं, अंधविश्वास वाले लोग जाते हैं, तो अगला सवाल जो लॉजिकल सवाल है, तो क्या इन पे बैन लगा देना चाहिए, क्या इन पे रोक लगाई जा सकती है, या रोक के बजाय मासेस को एजुकेट करना एक बेहतर ऑप्शन है? बिल्कुल, मासेस को एजुकेट करना एक, क्योंकि रोक नहीं लगाई जा सकती किसी पे, एक श्रद्धा का आस्था का सवाल है। भाई मेरी श्रद्धा आस्था एक पत्थर में है, मुझे लगता है उसमें भगवान है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति में है उसको मैं संत मानता हूं तो लोग उसकी पूजा करते हैं, तो सही क्या है गलत क्या है ये आस्था में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, जहां आस्था है वहां फिर सही गलत से परे हो जाता है आदमी। मुझे लगता है कि ऐसे जो अंधविश्वास की कैटेगरी में हम जिन चीजों को मानते हैं, जिस अंधविश्वास की श्रेणी में जिसको हम रखते हैं, वहां एक कैंपेन की जरूरत है लोगों को, एक एजुकेट करने की, एक अवेयरनेस करने की। तो एक जमाने में होती थी इस तरह की कैंपेन, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे लग रहा है कि वो कैंपेन्स में कमी आई है। अच्छा, वो कैंपेन चलाएगा कौन आखिरकार? हमारी सरकारों का रुख तो आप जानते ही हैं कि जितने भी हमारे नेता लोग हैं, अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए मध्य प्रदेश में 2023 के इलेक्शन में, तो ऐसा कोई नेता नहीं था जिन्होंने बाबाओं की कथा ना कराई हो। बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि कौन लगाएगा नकेल, क्योंकि जो जिन्हें लगानी चाहिए वो भी ऐसा लगता है एक समय वो उनके साथ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। देखिए, आपको आसाराम को याद दिलाऊं मैं, जब तक आसाराम जेल में नहीं थे कौन नेता देश का नहीं था जो उनके प्रोग्राम्स में जाता था? जब रेडीमेड भीड़ आती है तो नेताओं को लगता है कि ये तो मेरा वोट है, ये मेरा वोट बैंक है, वो यहाँ मतलब एक ही प्रोग्राम में जाके वो उनको लाखों लोग मिल जाते हैं, हजारों लोग मिल जाते हैं एडजस्ट करने के लिए। बाबा का अगर आपको मतलब आशीर्वाद प्राप्त हो गया या ऐसा लगने लगा, तो भक्तों को लगता है कि भाई क्योंकि ये बाबा के अनुयायी हैं तो हमारे नेचुरल लीडर हो गए। जहां जहां राजनीति का धर्म से इस तरीके का गठजोड़ हो जाता है, वैसे ही राजनीति और धर्म का जो वो है बहुत खतरनाक माना जाता है, टॉक्सिक माना जाता है, लेकिन जहां इस तरह का गठजोड़ हो जाता है तो और भी ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। लेकिन हाँ, कैंपेन चला सकती है, सरकारें चला सकती हैं, सिविल सोसाइटी चला सकती है, और एक जमाने में अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स भी इस तरह की कैंपेन चलाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोगों ने चैलेंज किया था, आपको याद है नागपुर में, जी जी, कि ये जो करते हैं ये चमत्कार नहीं है, हम इनको चैलेंज करते हैं, जी वो नहीं, तो वो भी उसी कैटेगरी में है, वो अवेयरनेस की कैटेगरी के ही लोग हैं। तो लेकिन ये स्टेप अप होना चाहिए, और जैसा आपने बोला कि क्या हम पास से लेसन सीख सकते हैं, क्या हम ये सीख सकते हैं कि जो हमारी जनहानि हो रही है, जो हादसे हो रहे हैं वो ना हो, रिपीट ना हो, तो निश्चित रूप से सरकारों को, सिविल सोसाइटी को, प्रेस को, मीडिया को भी एकजुट होकर इस बारे में कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। जी देशदीप, अब चूंकि ये एक ओवरनाइट तो बंद हो नहीं सकता, राजनीतिक लोग तो जैसे मैं मध्य प्रदेश में देखा हूं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी दलों के नेता बाबाओं को कथा करवाना चाहते हैं, उनको अपने साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी से तो एक्सपेक्ट करना बेईमानी होगी। सिविल सोसाइटी का जरूर रोल हो सकता है, लेकिन चूंकि ये खत्म नहीं हो रहा है अभी वेरी सून, और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो अगला जो सवाल मेरा आपसे है वो ये कि जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उसको किसको करना चाहिए? क्या आयोजकों की जिम्मेवारी होनी चाहिए या सरकार को परमिशन देने से पहले वहां इंश्योर करना चाहिए कि वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो? क्योंकि आयोजक तो हर बार यही कहेंगे कि हमने कर दिया जो करना था, और यहां तो हाथरस में ये भी कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी थे बाबा के, भोले बाबा के, उन्होंने ही धक्का मुक्की शुरू की जिससे भगदड़ मची है, तो क्या सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाग सकती। देखिए, इसी मामले को हम हाथरस वाले मामले को लें, क्या ये इस बात की जांच जब होगी तो ये सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या उन्होंने परमिशन मांगी थी, उन्होंने कितने लोगों के आने की बात कही थी। ऐसा कहते हैं कि करीब 80,000 लोग, 1,00,000 से थोड़े कम लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, तो क्या उतनी पुलिस थी? जो शुरू में अखबारों में जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया था कि 40 पुलिसकर्मी थे, लेकिन जब
इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो रूरल एरियाज में एक बात स्प्रेड होती है कि फलाने बाबा के यहाँ प्रोग्राम है, तो जो आपकी जो लोकल इंटेलिजेंस है पुलिस की, क्या उस तक ये बात नहीं पहुंची थी? तो क्या जो जिला पुलिस या पुलिस हेडक्वार्टर का जो खुफिया तंत्र है, क्या उसको एक्टिवेट नहीं होना चाहिए था? दूसरी बात कि जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि क्या इतना राजनीतिज्ञों का इंटरेस्ट रहता है बाबाओं में, तो ऐसा लगता है जो पुलिस और प्रशासन है वो भी थोड़ा एक बैकफुट पे चली जाती है कि हम ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि बात पलट के हम ही पे आ जाए, बाबा जी नाराज हो जाएं, बाबा जी नाराज हो जाए, लोकल नेता नाराज हो जाए और फिर हमें ही नुकसान देने पड़ जाए। लेकिन अगेन, क्या हम हाथरस से हिंदुस्तान के सरकारें, अलग अलग राज्यों की सरकारें, देश की सरकार क्या सबक लेने को तैयार हैं? क्या हम आध्यात्म और अंधविश्वास के बीच में एक लकीर खींचने को तैयार हैं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट पे हम एंड करेंगे कि क्या हम कोई लेसन लेने के लिए तैयार हैं, क्या अंधविश्वास और आस्था के बीच या अध्यात्म के बीच जो डिफ्रेंशिएटर है या जो लाइन है लकीर खींचने के लिए तैयार हैं? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार तो ये हादसा हुआ नहीं है। इससे पहले जैसे मैंने आपको गिनवाए बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन लोगों का इस तरह के आयोजनों में जाना कम, थोड़े दिनों के लिए जरूर हो सकता है लेकिन फिर पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और फिर से लोग जो है वहां जाने लग जाते हैं। शायद जो लोगों की समस्याएं हैं वो इतनी अधिक है और उसका निवारण कहीं दिख नहीं रहा है, तो ओनली जो एकमात्र जो लगता है कि जहां पर समस्याएं खत्म हो जाएंगी वो इन बाबाओं का चमत्कार कह सकते हैं वो होता है, लेकिन उससे वास्तविकता में कितना लोगों की समस्या खत्म होती है वो देखने वाला सवाल है। लेकिन एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।